आदरणीय मनोज जी तथा मनीषा तथा जगदीश भाई ओझा तथा एवं सर्वे मेम्बर भाई ओझा। हवे आपणे डायमंड इंडस्ट्री नी अंदर मेन पीयूजी पाहे मारी थोड़ी अर्ज छे के 10 मेंबर थी वधारे ओछा कारखानामां काम करता होय तो ये आपणे अगर कंपनी में काम करता है गृह उद्योग की तरफ गिना जाता है तो वो 20 मेंबर तक कर दे, 20 मेंबर से कम हो तो उसके लिए लाइसेंस परमिट वो सब निकालने में उसको सटकवारी मिलती है और वो टिक पाएगी, नहीं तो छोटी कंपनियां मिट जाएगी। और यहाँ के शासन प्रशासन थोड़ा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट तो पैसा दो तो स्ट्रिक्ट नहीं है, इसीलिए छोटा कारखाना लपेट गया, छोटा कारखाना गुजरात की ओर चले गए क्योंकि गुजरात के अंदर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है और थोड़ा बिजनेस संभालने के लिए लेट को करता है, नहीं तो पैसा मांगता है, नहीं कुछ करता है और छोटा अपने आप कोई भी अपना घर में चला सकता है। तो मेरा एक खास रिक्वेस्ट है कि अभी वो वाणिज्य प्रधान है, अगर 20 मेंबर से कम मेंबर वाले को वही उद्योग में डाल दे तो सब छोटे कंपनी वाला टीम जाए, क्योंकि हमने दहीसर में 17-18-15 कंपनी कारखाना कारीगर रखने वाला 300-400 कंपनियाँ हैं। वो अभी कल ही एक कंपनी बलिराम से गई तो उसको क्या हो गया, वो बंद किया तो उसने कारीगर लोग तो भय में सूरत जा रहा है। आप अगर सब लोग उधर आओ मैं उधर रोजी रोटी दूंगा, दो दिन तो कुछ नहीं हुआ, जब भी वो लपेटे तो सब यूनियन वाले आ गए, अरे तुम कैसे जा सकता है, हमका 7-7 पगार दो, 8-8 पगार दो, अरे यहाँ छोटा कारखाना 10-15 कारीगर नहीं परवड़ता है इसलिए तो उधर जा रहा है। फिर मेरे को फोन आया, अरे ऐसा ऐसा है, मैं बोला भाई तू भाड़े से चला जाओ, उसका भी यूनियन वाला लग गया। फिर यूनियन वाले को मैंने बुलाया, भाई ये एक जा रहा है वैसे तो बहुत जाएगा, तो किस किस के पीछे लड़ेगा। फिर उसको अभी तो गया मिलना चला गया परसों, मगर ये सब प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मेरा पीयूजी से खास रिक्वेस्ट है कि 20 कारीगर से कम वाले को ये उद्योग में डाल दें जिससे लाइसेंस की झंझट जाए, यूनियन की झंझट जाए, क्योंकि यूनियन बड़ी फैक्ट्री को लगे 20 से ज़्यादा तो